Assalamualaikum, this is me, Chef Shahina Shomail. Welcome to our show, Venus HGTV. और आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, और रेसिपी का नाम क्या है? आज बन रही है, यहाँ दो कॉलर थी हमारी, एक महरीन थी और एक निम्रा थी, और उनकी फरमाइश थी कि आपने जो है वो बिरयानी बनानी है, और हम यहाँ बना रहे हैं देगी बिरयानी बना रहे हैं। और ये रेसिपी जो है ये बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है। इस रेसिपी को आप एज आ जो कमर्शियल तौर पर भी बना सकते हैं ये रेसिपी। और ये रेसिपी जो है वो बहुत सारे जो घरों में हमारे काम करी होती हैं ख़वातीन, और जो हम प्रोफेशनल तौर पे कुछ काम करना चाहती हैं कि हम बिरयानी का काम करें या हम कैटरिंग का काम करें, तो ये प्रॉपर कैटरिंग वाली रेसिपी है। और ज़रूर इस रेसिपी को आप लोगों ने ट्राई करना है, और ये रेसिपी जो है ना आपको 110% गुड रिजल्ट देगी। आ जाते हैं रेसिपी की तरफ, और इंग्रेडिएंट्स हमारे यहाँ मौजूद हैं, और इंग्रेडिएंट्स मैं बता दूँ, और इसमें जो है वो कोई पैकेट का मसाला यूज़ नहीं होगा, क्योंकि जो कैटरिंग वाले होते हैं, जो होटल्स में रेस्टोरेंट्स में बिरयानी बनती है, वहाँ पे पैकेट वाले मसाले यूज़ नहीं होते हैं। तो ये विदाउट पैकेट मसाला 110% जो है ना आपको बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी मिलने वाली है आज यहाँ। इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता रही हूँ इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। और सबसे पहले तो 1 kg मेरे पास चिकन है, और विद बोन्स है ये मेरे पास, और 1 kg मेरे पास राइस हैं जो मैंने सोक करके रखे हुए, मैं दिखा दूँ, और इसको मैं दा के दोबारा से यहाँ से हटा दूँ। ये 1 kg जो है मेरे पास, देख लें आप लोग, राइस हैं, इनको मैंने सोक किया हुआ है, मैं बासमती में बना रही हूँ। आप लोग सेला राइस भी यूज़ कर सकते हैं, कमर्शली अगर आप तौर पर बिरयानी बनाते हैं तो आपको जो है वो राइस सेला आप लोग यूज़ करते हैं, लेकिन मैं बासमती राइस यूज़ कर रही हूँ। और सेला राइस जो होंगे उसको आपने 2 घंटे भिगोना है, उसके बाद आप उसको आराम से बना सकते हैं। अच्छा, इस रेसिपी में क्या होगा, चावल अलग से बॉयल होंगे, जो बाहर रेस्टोरेंट वाली स्टाइल की बिरयानी मिलती है, जो हम कैटरिंग से डिफरेंट हम बिरयानी सेंटर से और जहाँ से हम लेते हैं, तो वो बिरयानी जो है उसके चावल अलग से बॉयल होते हैं। तो यहाँ पर मैंने वाटर को बॉयल करने रख दिया था ताकि हमारा टाइम ज़ाया ना हो और हम साथ साथ जो है वो कुकिंग की तरफ आ जाएं। अच्छा, मेरे पास जो है मैंने क्या क्या लिया है, मैंने आपको बताया 1 kg मैंने बोन्स विद बोन्स मैंने जो है चिकन ली है, और 1 kg मैंने राइस ली है। साथ साथ मेरे पास जो है वो एक धनिए का बंच मौजूद है और एक पुदीने का बंच मौजूद है। इसमें मेन किरदार अदा करता है, कोशिश करें फ्रेश से फ्रेश आपके पास ये आ जाए तो बहुत अच्छी सी बात है। अच्छा, उसके बाद जो है वो लहसुन मेरे पास मौजूद है, लहसुन अदरक आप पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आप पेस्ट यूज़ करेंगे तो आपने 3 tablespoon जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट यूज़ करना है। मैंने जो है वो चॉप्ड डालूंगी मैं, तो मैंने जो है वो 6 to 7 जो है मेरे पास ये गार्लिक क्लोव्स मौजूद है, और जिंजर मौजूद है, जिंजर के 2 पीस हैं, 1 inch का, इसके 1 inch के 2 पीस हैं। इसके अलावा मेरे पास जो है वो ग्रीन चिलीज़ मौजूद हैं, ग्रीन चिलीज़ मैंने इसमें ली हैं 8 to 10, इसके अंदर मेरे पास ग्रीन चिलीज़ मौजूद हैं। साथ साथ मेरे पास चिकन पाउडर मौजूद है 1 tablespoon भर के, इसके अंदर 1 kg में 1 tablespoon भर के जो है चिकन पाउडर ऐड होगा। सॉल्ट मेरे पास मौजूद है, सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। सॉल्ट हम जो है इस चिकन पाउडर में भी सॉल्ट होता है, लेकिन हम राइस बॉईल करेंगे उसमें भी हम सॉल्ट डाल के करेंगे, और हम अपनी रेसिपी में भी सॉल्ट डालेंगे, तो आपने सॉल्ट का ख्याल करना है कि वो तेज़ ना हो, क्योंकि चिकन पाउडर में ऑलरेडी सॉल्ट होता है। इसके अलावा मेरे पास ब्लैक पेपर मौजूद है, ये ब्लैक पेपर मेरे पास 1 teaspoon मौजूद है, वाइट पेपर मेरे पास 1/4 teaspoon मौजूद है। इसके अलावा मेरे पास जो है वो फूड कलर जर्दे का रंग मौजूद है, ऑरेंज जर्दे का कलर मैंने यहाँ लिया है, और ये तकरीबन 1 teaspoon मेरे पास है। इसके अलावा मेरे पास चिली फ्लेक्स 1 tablespoon भर के मौजूद हैं, 1 tablespoon चिली फ्लेक्स इसके अंदर शामिल होंगी, 2 tablespoon मेरे पास जो है वो यहाँ गरम मसाला पाउडर है। गरम मसाला अच्छे से अच्छा लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा आपका घर का बना हुआ हो, ताकि उसमें तमाम मसाले जात जो है वो हों, और उसको रोस्ट करके आप ये गरम मसाला ग्राइंड करके रख सकते हैं, नहीं तो आप बाहर से अगर ले रहे हैं तो किसी अच्छे ब्रांड का लीजिएगा ताकि गरम मसाला आपको फ्रेश मिले। इसमें मेन किरदार है 2 tablespoon मैंने इसके अंदर गरम मसाला पाउडर लिया है। इसके अलावा 2 tablespoon मैंने इसमें चाट मसाला लिया है, चाट मसाला है मेरे पास 2 tablespoon, 1 tablespoon मेरे पास रेड चिली पाउडर है, पिसी हुई लाल मिर्चें हैं, 1/4 teaspoon, 1/2 teaspoon मेरे पास हल्दी मौजूद है, टर्मेरिक।
आलू है मेरे पास, ये 3 से 4 अदद आलू हैं, इनको मैंने बॉईल करके रखा हुआ है। अच्छा अब आ जाते हैं हम अपने गरम मसालों की तरफ, क्योंकि ये बिरयानी है इसमें 12 मसाले जाते हैं। इसमें कौन कौन सा मसाला मेरे पास मौजूद है मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले हम स्टार्ट करें यहाँ पर काली मिर्चें, तो यहाँ मेरे पास 15 से 20 काली मिर्चें हैं, यानी कि 1 टेबल स्पून आप अगर इसकी क्वांटिटी देखें तो 1 टेबल स्पून मेरे पास साबुत काली मिर्चें हैं। लौंगे मेरे पास 1/2 टेबल स्पून यानी कि 15 से 16 मौजूद हैं। बादियान के फूल हैं, 2 से 3 बादियान के फूल मैंने इसमें शामिल करे हैं। 2 टेबल स्पून मेरे पास क्यूमिन यानी कि सफ़ेद ज़ीरा मौजूद है। हरी इलायची, सब्ज इलायची मेरे पास 10 से 12 यहाँ मौजूद हैं। दालचीनी की कुछ स्टिक्स हैं। जायफल जवत्री है, पिंच ऑफ मैंने जवत्री यानी कि 1/4 टीस्पून जायफल एंड 1/4 टीस्पून जवत्री, तो ये 1/2 टीस्पून मैंने मिक्स करके क्रश करके रखी हुई होती है, तो इसकी क्वांटिटी ये है। बादियाँ और उसके अलावा तेज़ पत्ता है मेरे पास, 3 से 4 तेज़ पत्ता है। इसके अलावा जो है मैंने आपको ये इन्ग्रीडियंट्स बता दिए, इसमें एक इन्ग्रीडियंट मैंने आपको नहीं बताया, मैं वो भी बता दूँ। यहाँ टमाटर मौजूद है मेरे पास जिसको मैंने गोल स्लाइस करा हुआ है, तकरीबन जो है वो ये मेरे पास 400 ग्राम्स जो है ना टमाटर हैं जिनको मैंने गोल स्लाइस किया हुआ है। जब हम 1 kg की क्वांटिटी बनाते हैं तो उसके अंदर 400 ग्राम्स मैंने टमाटर लिए हैं। और मैंने योगर्ट ली है, योगर्ट जो है वो कितनी है, योगर्ट मेरे पास जो मौजूद है आप योगर्ट देख सकते हैं, योगर्ट मेरे पास 1/2 kg योगर्ट मौजूद है, 1/2 kg मैंने योगर्ट ली है और 400 ग्राम्स मैंने टमाटर लिए हैं। 1 kg की क्वांटिटी की हम बिरयानी बना रहे हैं। अच्छा यहाँ ब्राउन प्याज आप देख ले, 1 ग्लास जो है वो ब्राउन प्याज का, अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो क्वांटिटी आप इसकी जो है वो 600 ग्राम हमने यानी कि आधा किलो से ऊपर हमने ये प्याज ली है। और अगर आप उसकी बात करें तो 8 से 6 मैंने ये प्याज़ें ली हैं, मीडियम साइज़ की प्याज़ें थी, 6 अदद मैंने मीडियम साइज़ की प्याज़ें ली थी, उनको स्लाइस करा और उसको इस तरह से क्रिस्पी सा ब्राउन कर लिया। अच्छा एक टिप बताऊंगी मैं आपको, बहुत अच्छी टिप है ये प्याज ब्राउन करने की, तो प्याज जब भी आप ब्राउन करें थोड़ा सा सॉल्ट डाल दें तो बहुत अच्छी सी क्रिस्पी प्याज आपकी फ्राई होगी और ऑयल बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करेगी, क्योंकि आप ये देखें कि इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं है और ये अलग अलग हो रही है और इसका कलर भी परफेक्ट ब्राउन है, बहुत ज़्यादा डार्कर ब्राउन नहीं है, लाइटर ब्राउन नहीं है, परफेक्ट इसका ब्राउन शेड आया है। बिरयानी बन रही है जी और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं थोड़ी सी जो है ना स्पेस बना दूँ क्योंकि मुझे चिकन को और पोटैटोस को कलर लगाना है। आज जो रेसिपी बन रही है बहुत जो है वो लोगों की फरमाइश थी, उस फरमाइश के तहत ये रेसिपी बन रही है और मैं यही चाहूँगी कि मैं परफेक्ट बिरयानी आपको यहाँ से खाऊँ। और ये जो फूड कलर मेरे पास मौजूद है, जैसे कमर्शली होता है, कमर्शली हम क्या करते हैं चिकन को डाई करते हैं, और चिकन को हम डाई कर रहे हैं इधर और हम अपने आलूओं को भी डाई कर रहे हैं। अच्छा आलू मैंने टाइम की वजह से जो है ना वो पहले से बॉईल कर लिए थे और कलर नहीं लगाया था मैंने, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं आपके सामने कलर लगाऊंगी। अच्छा आलू का क्या करना है, आपने आलू जब बॉईल करें, बॉईल करते वक्त आप जो है ना फूड कलर ऐड करें और सॉल्ट ऐड करके पोटैटोस को अपने बॉईल कर लें। तो मैंने कलर इसलिए नहीं लगाया था कि मैं आप लोगों के सामने लगाऊंगी, ताकि आपको पता चले ये ऑरेंज आलू आते कहाँ से हैं। अच्छा इसके अलावा जो है बिरयानी जो है ना वो बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है और बिरयानी बहुत सारे वेज की होती है। कराची की जो बिरयानी है, कराची बिरयानी, तो आज हम बना रहे हैं कराची बिरयानी। कराची वालों को जो है ना बिरयानी वैसे ही बहुत पसंद है और अब तो US वगैरह में भी बिरयानी की शॉप्स ओपन हो गई हैं और जो है वो ब्रिटिश जो है वो भी हमारी मतलब बिरयानी और हमारे फ्लेवर्स ट्राई कर रहे हैं और उनको पसंद आ रही है, क्योंकि जबकि इसमें बहुत ज़्यादा स्पाइस होता है और बाहर कंट्रीज़ में जो है फॉरेन कंट्रीज़ में स्पाइस लेवल इतना खाया नहीं जाता है, उनका लो होता है, लेकिन फिर भी उनको बिरयानी इतनी पसंद आ रही है। इवन कि इंडिया में भी बिरयानी का बहुत ट्रेंड चल गया है और हर जगह जो है वो बन रही है हमारी कराची बिरयानी। अच्छा जी मैंने क्या करा, इसको इस तरह से डाई करा है थोड़ा सा, अब इसमें कलर ऐड करेंगे और हमें प्रॉपर ऑरेंज कलर चाहिए, तो हम इसको
अच्छा मैंने ग्लव्स इसलिए पहन लिया था, एक तो हाइजेनिक तौर से पहना था और दूसरा कि आपके हाथों में कलर ना लगे, क्योंकि ये फूड कलर बहुत देर में जाकर जो है ना, आप बहुत सारे मतलब काम कर लेते हैं, बर्तन धो लेते हैं, उसके बाद जाके आपके हाथों से गायब होता है और बहुत बुरा आपके नेल्स को कर देता है, तो मैंने इसलिए ग्लव्स पहने हैं। आप घरों में भी, घर में भी जब भी करें तो आप ग्लव्स पहन के करें ताकि आपके हाथ सेफ रहे। थोड़ा सा और जो है ना, हम इसका सारा तकरीबन ये कलर ऐड कर लेंगे इसमें। प्रॉपर हमारी चिकन डाई हो गई है और साथ साथ जो है हमारे आलू भी डाई हो गए। और अब आपको पता चला होगा कि हम बाजार से जो बिरयानी आती है उसका जो ऑरेंज आलू कहाँ से आते हैं और ऑरेंज चिकन कहाँ से आती है, तो वही इस तरह से आती है, ये इसकी टेक्निक है। अच्छा, अब मैं क्या करूँगी, अपने जो है वो स्टार्ट करूँगी इसकी कुकिंग। और इसकी जो बाकी की है, मैं इसको बैक पे रख रही हूँ थोड़ा सा स्पेस के लिए। और किचन हमारा शिफ्ट हो रहा है बैक पर। अच्छा, अब आ जाते हैं हम अपनी योगर्ट के साथ। योगर्ट के साथ भी हमने कुछ करना है। अच्छा, योगर्ट है मेरे पास तकरीबन हाफ के जी ये योगर्ट है और मैं इसमें 1 कप वाटर का ऐड कर रही हूँ। वन कप मैं इसमें योगर्ट का ऐड कर रही हूँ। और मैं योगर्ट में वाटर मैंने क्यों ऐड करा है और मैं इसको इस तरह क्यों कर रही हूँ, ये इसकी टिप है, इसकी टेक्निक है। इससे क्या होता है कि हमारी जो बिरयानी है बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनती है, इसके अंदर पूरा फ्लेवर आता है। और योगर्ट को मैं डायरेक्ट नहीं डाल रही, पानी के डाल रही हूँ और इसके अंदर मैं इससे ज़्यादा पानी नहीं डालूँगी। तो ये योगर्ट के पानी में ही हमारी जो है वो बिरयानी बनेगी। तो मिक्स कर लिया हमने। दावतों में स्पेशली जो है ना, बहुत ज़्यादा ये अच्छी रहती है, बनाएं आप इसको। और अच्छा, चावलों की तरफ हम आ जाते हैं। चावल मैं इसमें डाल दूं क्योंकि मैंने इसको बॉईल करना है, तो ऐसा ना हो कि जो है हम थोड़ा सा लेट हो जाएं, क्योंकि हमें चावल चाहिए होंगे। अच्छा, चावल मैंने 1 kg चावल थे, बासमती मेरे पास राइस थे, मैंने इसको ऑलरेडी सोक करके रखा हुआ था। और अब मैं जो है ये चावल इसके अंदर शामिल करी, वाटर हम इसका ऊपर का थोड़ा सा वाटर हमने इसका निकाल दिया है और ये चावल अब हम इसमें डाल रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉक के अंदर ही अच्छा राइस मैंने बॉईल करने रख दिए हैं और मैं साथ साथ इसमें सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। 2 tablespoons मैं इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। 1 and then 2 2 tablespoons मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया है। अच्छा, साथ मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई थी, केवड़ा भी मेरे पास मौजूद है और ये 4 tablespoons मेरे पास केवड़ा यहाँ मौजूद है। अच्छा, साथ साथ हमें धनिया पुदीना जो है वो धनिया की कटिंग करनी होगी, तो हम धनिया की कटिंग कर लेते हैं। चावल मैंने बॉईल करने रख दी हैं। 2 tablespoons मैंने इसमें सॉल्ट डाला है और टाइम हुआ है ब्रेक का, और ब्रेक से वापस आते हैं और अपनी बिरयानी की रेसिपी को कंटिन्यू करते हैं। सो डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम
वेलकम बैक टू अवर ब्रेक एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून. और बन रही है यहाँ कराची बिरयानी. और मैंने क्या करा था, ब्रेक पे जाने से पहले चावल बॉईल करने रख दिए थे. चावल हमारे बॉईल हो रहे हैं और साथ साथ अब हम जो हैं आ जाते हैं अपने चिकन की तरफ. अच्छा, एक स्टेप है वो मैं बता दूँ आपको. धनिया हमने इसमें डालना है बॉइलिंग, चावलों के बॉइलिंग के दरमियान. तो मैं इसमें से हाफ ले लेती हूँ और हाफ मैंने छोड़ दिया है. आप धनिया लिया है मैंने. अच्छा, खुद मिंट के जो है मेरे पास लीव्स मौजूद हैं और ये मिंट लीव्स लिए हैं मैंने. बहुत अच्छी इनकी खुशबू आती है जब आप चावलों की बॉइलिंग के दौरान जो है ये डाल दें. और मैं अब इसको रख देती हूँ बैक पर जी. तो यहाँ चावल बॉईल होने वाले हैं और देख लेते हैं हम, क्योंकि बासमती राइस है जल्दी बॉईल होता है. अच्छा, राइस की बॉइलिंग का भी मुझसे बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि हम बिरयानी बनाते हैं तो कितने मतलब हद तक हम जो है ना चावलों को कुक करें, क्योंकि हमारे इसमें भी कुक होनी होती है. तो जब भी आप बिरयानी बनाएं तो आप क्या करें, चावलों को जो है वो बहुत ज़्यादा आपने कुक नहीं करना, बहुत ज़्यादा उसको टेंडर नहीं करना. आपने क्या करना है, इसमें जो है आपने 3/4 यानी कि 3 कन्नी तक चावल आपने पका लेना है और 1 कन्नी जब रह जाए तो आपने चावल को स्ट्रेन कर लेना है. अच्छा, अब मैं क्या कर रही हूँ, अब तकरीबन जो है मेरे पास ये धनिया पुदीना जो मैंने हाफ हाफ लिया था ये मैं उठा के इसके अंदर शामिल कर रही हूँ. धनिया पुदीना मैंने इसमें शामिल किया है बॉइल करते हुए राइस मैंने. अच्छा, कॉल है हमारे साथ. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम शाइना, कैसी हैं आप? ठीक हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह. कौन बात कर रहे हैं हमारे साथ, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं कराची से बात कर रहा हूँ, मुझे अरहम कहते हैं. और मुझे आपसे 2 सवाल करने थे. जी जी, पूछिए. एक तो ये कि अक्सर जब बिरयानी बनती है तो चावल कुछ लोगों के जुड़ जाते हैं या ढीले हो जाते हैं, उसकी क्या वजह है? अच्छा, और दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल ये है कि अक्सर खुरचन रह जाती है, जो पतीली के साथ नीचे चावल लगे रह जाते हैं, तो उनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं या उनको फेंकना ही जरूरी है? नहीं, वो तो देखें आप कोशिश करें कि आपके चावल ना लगे, लेकिन अगर लग जाए तो फिर आप उसको मतलब डिस्कार्ड कर दें, इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो पेट के लिए भी आपके मतलब हेल्थ के लिए सही नहीं है. और आपके दूसरे सवाल का जवाब भी मैं जो है ना ऑन एयर अभी देती हूँ. और बहुत शुक्रिया आपने कॉल करी. इसके अलावा आप कुछ कोई फरमाइश करना चाहेंगे? वो बनाना सिखा दे, ये जो होता है चिकन कढ़ाई. जी बिल्कुल, इंशाल्लाह हम आपको चिकन कढ़ाई बनाना सिखाएंगे. बहुत शुक्रिया आपने कॉल करी, बहुत अच्छा लगा. अल्लाह हाफिज. अच्छा, मैंने ब्रेक कॉल थी तो मैंने आपको बताया नहीं था कि मैंने इसमें क्या किया है. ये तकरीबन हमारे चावल कुक्ड हो गए और मैंने इसमें धनिया पुदीना ऐड किया था. इसके अलावा मैंने ग्रीन चिलीज ऐड करी थी और अब मैं इसके अंदर केवड़ा ऐड कर रही हूँ. 2 टेबल स्पून इसके अंदर मैं केवड़ा ऐड कर रही हूँ और यहाँ मैंने केवड़ा ऐड किया है 2 टेबल स्पून. अच्छा, अब हम इसको स्ट्रेन करेंगे. मैं इसको चेक कर लेती हूँ ये किस हद तक टेंडर हुआ है. अभी थोड़ा सा इसमें 1 से 2 मिनट बाकी हैं. अच्छा, हमारे साथ कॉलर थे और हम थे, उन्होंने हमसे सवाल किया था कि चावल जुड़ जाते हैं और अलग अलग नहीं होते, तो उसका एक रीज़न है. आप क्या करें, आप जब भी चावल बॉईल करें तो आप इसमें 2 टेबल स्पून सिरका ऐड कर लें. तो उससे क्या होगा, आपके चावल जो है वो अलग अलग रहेंगे और बहुत ज़्यादा जो है ना आपके चावल जुड़ेंगे नहीं. और आपने जो है ना इसके अंदर सिरका ऐड करना है. और इसके अलावा जो है चावलों की जो असल बॉइलिंग होती है ना, बॉइलिंग पॉइंट, उसका उसमें नोट डाउन करना है कि जब चावलों में बबल आने लगे, बहुत ज़्यादा बबल ना आए, और जब आने लगे उसके बाद आप चावल डालें. जब आप उसके बाद चावल डालेंगे तो कभी भी आपके चावल चिपकेंगे नहीं, क्योंकि मैंने अपनी स्टेज के हिसाब से चावल डाले थे तो मुझे विनीगर डालने की, सिरका डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी. लेकिन जिन लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हो जाती है, इश्यू हो जाता है, तो वो सिरका ऐड कर सकते हैं. अच्छा, अब जिस हद तक मुझे चावल चाहिए थे, जिस कंडीशन के, वो आ चुके हैं. हमने इसमें धनिया पुदीना हरी मिर्चें और चावलों की बॉइलिंग के दौरान हमने केवड़ा इसमें ऐड किया था. अब मैं क्या करूँगी, अपने स्टोव को ऑफ करूँगी और इसको स्ट्रेन करूँगी. हम इसको स्ट्रेन करते हैं जी. तो राइस मैंने स्ट्रेन करने रख दिए हैं और हम आ जाते हैं अपनी अब बिरयानी की मैरिनेशन की तरफ. मैरिनेशन हमने कर दी थी, कुकिंग की तरफ आ जाते हैं. तो मैं इसमें 1/4 कप मैंने इसमें ऑयल डाला है और आप सोच रहे होंगे, सॉरी, 1/2 कप डाला है. आप सोच रहे होंगे 1 kg की बिरयानी में 1/2 kg इन्होंने 1/2 कप इन्होंने ऑयल क्यों डाला है, क्योंकि हम बाकी का ऑयल जो है वो बाद में डालेंगे. अच्छा,
फ्लेम को हमने थोड़ा सा हाई कर दिया है। साथ साथ मेरे पास जिंजर है और मेरे पास गार्लिक है, मैं इसे चॉप करूंगी और चॉप करके मैं इसमें शामिल करूंगी। जिंजर को आपने पील कर लेना है, उसका स्किन उसकी रिमूव कर लेनी है। और अब हम चॉप करेंगे अपना गार्लिक को। चॉप जिंजर गार्लिक का फ्लेवर पेस्ट से ज़्यादा अच्छा आता है, तो हम इसको चॉप्ड कर रहे हैं। ये हम इसकी चॉपिंग कर रहे हैं जिंजर गार्लिक की। अच्छा, फ्लेम हमारी जो है वो तकरीबन हाई थी और अब हम इसमें चिकन डालेंगे और चिकन को फ्राई करेंगे। तो आप चिकन जब भी डालें हाई फ्लेम पे डालिएगा, ठीक है। अच्छा, मैं टॉन्ग ले लेती हूँ। जिंजर गार्लिक मैंने चॉप कर लिया है, अब मैं इसको डाल रही हूँ और मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। ये डाई कीवी चिकन है। चिकन को हम एक से दो मिनट के लिए फ्राई करेंगे और इसी वजह से चिकन को मैंने फ्राई करना था तो मैंने अपनी फ्लेम को हाई रखा था। अच्छा, ये हमारी चिकन जो है वो फ्राई हो रही है, जब तक हम मज़ीद अपने जिंजर गार्लिक को चॉप कर लेते हैं। चॉप हो गया है हमारा जिंजर गार्लिक और जैसे ही हमारी चिकन फ्राई होती है तो हम इसमें जिंजर गार्लिक ऐड करेंगे। अच्छा, दावतों में भी आप ये रेसिपी बना सकते हैं और ये कमर्शियली जो काम करना चाहते हैं, कैटरिंग का काम करना चाहते हैं या जो ख़वातीन लंच बॉक्सेस बनाती हैं तो वो भी इस रेसिपी को ट्राई कर सकती हैं, क्योंकि ये 110% कमर्शियल रेसिपी है। अच्छा जी, ये हो गया है हमारा चिकन फ्राई हो गई है। पहले हमने चिकन को डाई करा था, उसके बाद हमने चिकन को फ्राई करा है। उसके बाद ये जिंजर गार्लिक है मेरे पास चॉप, ये मैं इसमें शामिल करूँगी। चॉप जिंजर गार्लिक मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। अच्छा, अब हमारा जो है इसमें फ्लेवरिंग का टाइम आ गया, लेकिन फ्लेवर डालने से पहले, क्योंकि ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, तो मैं थोड़ा सा इसमें वाटर ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा। मैंने वाटर ऐड किया। अच्छा, अब मेरे पास जो ये 400 ग्राम्स टमाटर थे उसमें से आधे यानी कि 200 ग्राम्स टमाटर मैं इसमें इस तरह से शामिल कर रही हूँ, शामिल करे हैं मैंने। और तकरीबन हाफ टमाटर जो है मैं इसमें लेफ्ट ओवर छोड़ दूंगी और वो हम किस स्टेज पे डालेंगे वो भी मैंने आपको बताना है। चिकन है, अदरक लहसुन है और साथ साथ टमाटर हैं, और टमाटरों को हम थोड़ा सा सॉफ्ट होने के लिए छोड़ देंगे। टमाटर सॉफ्ट हो रहे हैं जब तक हम इसमें फ्लेवरिंग करेंगे। ग्रीन चिलीज थोड़ी सी मैं इसमें डाल रही हूँ और थोड़ी सी मैं लेफ्ट ओवर छोड़ रही हूँ, और वो मैं क्यों छोड़ रही हूँ वो भी मैं आपको बताऊँगी। और आ जाते हैं हम चिकन पाउडर, तकरीबन मैं इसमें 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ। और सॉल्ट डालूँगी मैं इसमें 1 टीस्पून। चाट मसाला है मेरे पास 2 टेबल स्पून, तमाम का तमाम मैं इसमें डाल रही हूँ। क्रश चिली है मेरे पास 1 टेबल स्पून, ये भी सारी की सारी मैंने इसमें ऐड की हैं। टर्मेरिक 1/2 टीस्पून इसमें ऐड किया है। रेड चिली पाउडर 1 टेबल स्पून, आई एम गोना ऐड दिस। ओह माय गॉड,
और इसके अलावा गरम मसाला पाउडर है 2 टेबल स्पून, मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड करा। और अब आप इसका कलर चेक कर सकते हैं, इसकी खुशबू अगर आप सूंघ सकते होते तो ज़रूर। बिल्कुल बिरयानी जो बन रही है बहुत मज़ेदार, इसकी खुशबू आ रही है और कलर देखें आप, ब्यूटीफुल। अच्छा, अब जो मेरे पास ये दही का पानी है, दही का पानी मैं इसके अंदर, और दही है मेरे पास 1/2 kg दही है, 1 glass इसमें पानी है, ये दही का जो पानी है ये मैंने इसमें डाला। और मैं इसको कुक करूंगी, गरम मसाले जो मेरे पास मौजूद हैं, जब आप दही का पानी इसमें डाल दें तो आप ये गरम मसाले इसके अंदर शामिल करेंगे। गरम मसाला 2 टेबल स्पून मेरे पास क्यूमिन है, सफ़ेद ज़ीरा है मैंने वो इसमें ऐड किया है, सब्ज़ इलायची है। अच्छा, कॉल है हमारे साथ और कॉल लेंगे हम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही हैं आप? जी मैं सैयदा कौशल बात कर रही हूँ। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। जी सैयदा, सॉरी नाम बताइएगा दोबारा। सैयदा कौशल। जी सैयदा कौशल, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाइए। बड़े मजे की बिरयानी। जी बिल्कुल, इसको रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। हमारी कॉलर थी, उनकी फरमाइश थी और हमने कहा कि उनकी फरमाइश पूरी की जाए। मेरी भी एक छोटी सी फरमाइश है। जी जी, सवाल है मेरा छोटा सा। जी मुझे पूछना था कि पुलाव बिरयानी ज्यादा जल्दी बन जाती है या सिंधी बिरयानी? अच्छा अच्छा, से पुलाव बिरयानी ज़्यादा जल्दी बन जाती है या सिंधी बिरयानी? देखें, दोनों चीज़ें अगर आपके बनाने पर है, लेकिन पुलाव बिरयानी थोड़ी सी ज़्यादा आसान होती है तो पुलाव बिरयानी जल्दी बन जाती है, आपके सवाल का ये जवाब है। लेकिन ये दोनों चीज़ें हम कोशिश करेंगे तो एक साथ जल्दी भी बना सकते हैं। अच्छा, और फरमाइश बताइए। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह मैं आपकी इस फरमाइश को पूरा करूँगी। बहुत शुक्रिया आपने कॉल करी। और इसके अलावा बताएं, प्रोग्राम कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है मुझे और बहुत अच्छा आपसे खाती हूँ। थैंक यू सो मच डियर। अल्लाह हाफिज़। बहुत प्यारी सी हमारे साथ कॉलर थी और उन्होंने फरमाइश करी है टिक्का बिरयानी की, तो हम इस फरमाइश को भी पूरा करेंगे। और अब हम आ जाते हैं बिरयानी की तरफ। तो मैंने ड्यूरिंग कॉल क्या क्या चीज़ें इसके अंदर डाली थी, मैंने इसके अंदर क्यूमिन ऐड किया था, मैंने इसके अंदर जो है वो काली मिर्चें ऐड करनी है मुझे, मैं काली मिर्चें ऐड कर रही हूँ और ये मैं काली मिर्च ऐड कर रही हूँ। इसके अंदर जो है मैं अब ये जायफल जवित्री है मेरे पास, मैं वो ऐड कर रही हूँ। बे लीव्स है मेरे पास 2 से 3 अदद और मेरे पास मैं इसमें सब्ज़ इलायचियाँ भी ऐड करी थी ड्यूरिंग कॉल, वो मैंने आपको नहीं बताई, तो आप सब्ज़ इलायची इसमें 8 से 10 मैंने ली हैं, क्योंकि हम इसमें पैकेट का कोई मसाला यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो हम इसमें घर के जो हमारे तमाम मसाले हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में डालेंगे। अच्छा, इसके अलावा जो 1/2 टेबल स्पून मेरे पास लौंगें थी, यानी कि 12 से 15, तो वो मैंने इसके अंदर शामिल करी हैं। और बादियान फूल 3 अदद मैंने इसमें शामिल करें, तमाम गर्म मसाले इसमें शामिल हो गए। और इसमें हमने साबुत गरम मसाला, पिसा हुआ गरम मसाला, इसके अंदर हमने जो है वो टमाटर, दही, फूड कलर, सारी चीज़ें हमने इसमें शामिल की हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर रही हूँ, ब्लैक पेपर तकरीबन 1/2 टीस्पून मैं इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा है तो मैं इसे रोक लूँगी। और 1/4 टीस्पून वाइट पेपर है, तमाम मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अच्छा, सॉल्ट हम जो है वो अपने हिसाब से रखेंगे, क्योंकि सॉल्ट मैंने ऑलरेडी चावल बनाए थे तो उसमें सॉल्ट क्या कहते हैं डाला था, और थोड़ा सा सॉल्ट मैंने इसमें डाला है, और चिकन पाउडर में भी सॉल्ट होता है, और इसके अलावा जो है उसमें भी सॉल्ट होता है, मतलब चाट मसाला हमने इसमें डाला है उसमें भी सॉल्ट होता है। अच्छा, केवड़े की बात है, और जब तक मैं इसमें केवड़ा डाल देती हूँ, तकरीबन 2 टेबल स्पून मैंने इसमें केवड़ा डाला है और 2 टेबल स्पून मैंने लेफ़्ट ओवर छोड़ दिया है। अच्छा, जब तक ये हमारा बन रही है बिरयानी, मैं इसको कवर करके कुक करूँगी, जब तक टाइम है एक छोटे से ब्रेक का, सो लेते हैं ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना, ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करना है, सो लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक टू आवर ब्रेक, और ब्रेक से आ गए हम वापस, और कराची बिरयानी बन रही थी
और मैंने क्या आपको बताया था, मैंने ये बताया था कि हम इसको कुक करेंगे और इसको आपने 15 टू 20 मिनट्स चिकन में ये सारे मसालों को कुक करना है। और हमने इसको कुक कर लिया है, अब ये कुक्ड हो गई है। अच्छा, अब मैं क्या करूँगी, अब मैं अपने स्टोव को लो करूँगी और उसके बाद जो है मैं इसे इस वाले को मैं यहाँ से हटाऊँगी। अभी इसको हम जगह नहीं हो रही, थोड़ा सी एक सेकेंड यहाँ रखेंगे। अच्छा, बिरयानी आप हमेशा खुले बर्तन में आप बनाएं। और फ्लेम को हमने हाई कर दिया है और ये जो हमारा सालन जो हमने टाइप का बनाया था बिरयानी का, ये हम इसमें सारा का सारा शिफ्ट कर रहे हैं। और ये मैंने इसके अंदर शिफ्ट कर लिया है। थोड़ा सा आप इतने इसके अंदर वाटर छोड़ना है, बहुत ज्यादा आपने इसको ड्राई नहीं रखना है वरना बिरयानी में इतना अच्छा मजेदार सा फ्लेवर नहीं आएगा। अच्छा, अब इसकी सेकंड स्टेपिंग क्या है, आपने इसके अंदर जो ये ब्राउन प्याज थी जिसको मैंने आपको बताया था, 6 अदद मेरे पास प्याज थी जिसको मीडियम साइज की थी, जिसको मैंने अच्छे से ब्राउन कर लिया था। अगर आप वेट के हिसाब से देखें तो 600 ग्राम इसकी क्वांटिटी थी, तो ये तमाम की तमाम ब्राउन प्याज मैंने इसमें शामिल कर दी है। अच्छा, मिंट लीव्स मेरे पास मौजूद हैं जो लेफ्ट ओवर थे हमारे, मैंने आपको बताया था कि एक बंच मिंट का और एक बंच जो है वो धनिए का जाएगा, एक बंच पुदीने का जाएगा। थोड़ा सा पुदीना जो है मैंने उसमें शामिल किया था, बाकी का पुदीना जो है वो पत्ते मैंने सिर्फ तोड़े, में इसको काटा हुआ नहीं है, पुदीने को हम काटते नहीं हैं। धनिया मेरे पास मौजूद है, धनिया तमाम का तमाम मैंने इसमें शामिल किया है। ग्रीन चिलीज है मेरे पास, ये मैंने इसमें शामिल की हैं। आप चाहें तो चॉप्ड करके डाल सकते हैं, लेकिन फ्लेवर मतलब ज़्यादा तेज़ ना हो जाए, स्पाइस लेवल ज़्यादा तेज़ ना हो जाए, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा कम डाला है। अच्छा, उसके बाद जो ये बाकी के टमाटर थे मेरे पास, ये टमाटर मैं इसमें शामिल करूँगी। बाकी के टमाटर मैंने इसके अंदर शामिल करे हैं और ये लगे नहीं हमारा, तो हम इसको मिक्स करेंगे साथ साथ। अब फ्लेम को मैंने लो कर दिया है और मैं अब इसमें राइस डालूंगी। धनिया पुदीना और हरी मिर्चों वाले राइस जो थे वो मैंने इसमें डाल के एक कॉलर ने हमसे सवाल करा था कि चावल जो है वो किस तरह से हमारे अलग अलग हो सकते हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं, एक बड़े बर्तन में चावल लें ट्रे टाइप के और उसमें चावलों को जब आप बॉईल कर लें तो उसके बाद उसको खोल के फैला दें, उसे चावल जब ठंडे हो जाएंगे उसके बाद आप उसको चाइनीज राइस बनाएं या इस तरह तय लगाएं तो आपका चावल अलग अलग रहेगा। चावल हमने इसमें डाल दिए हैं और अब मैं थोड़ा सा इसमें चाट मसाला है वो स्प्रिंकल करूंगी अब ऊपर से। केवड़ा इसमें 1 टेबलस्पून मैं ऐड करूंगी ऊपर से और ऑयल मैं इसमें तकरीबन 1/4 कप और ऑयल मैं इसमें ऐड करूंगी। ऑयल मैंने ऐड कर दिया है, केवड़ा मैंने ऐड कर दिया है और जो है अब हम इसको कुक करेंगे। और हमने इसको कुक करना है तकरीबन 10 से 15 मिनट्स आपने इसको लो फ्लेम पे कुक करना है। तो अब मैं जो है इसको कवर करती हूँ। अच्छा, मैं इसको कुक करूँगी 15 मिनट्स और थोड़ा सा मैं इसमें फूड कलर ऐड करूँगी। एक साइड पे आपने फूड कलर ऐड करना है, थोड़ा सा फूड कलर मैंने इसमें ऐड कर दिया है और साथ साथ मैं इसके अंदर थोड़ा सा बहुत मामूली सा वाटर ऐड करा है मैंने इसके अंदर और फ्लेम को थोड़ा सा मैंने अभी हाई रखा है और इसको हम कवर कर देंगे। और मैं इसको एक कपड़े की मदद से कवर कर रही हूँ और तकरीबन मैंने जो है ये
15 मिनट्स इसको कुक करना है, और जब तक ये कुक हो रहा है जब तक जो है हम कर लेते हैं कुछ आपसे बातें, और हम कर लेते हैं अपनी टेबल को नीट। अच्छा, मैंने जो है वो इसमें चमचा चलाया है अभी, और साथ साथ जो है मैं इसके अंदर ये पोटैटोज बॉयल थे, डन थे, तो मैं इसे ऐड करूँगी यहाँ पर। और इसको हम मिक्स करेंगे। और हम आलू डालने के बाद भी इसको 2 से 3 मिनट के लिए कवर करेंगे, और उसके बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। और आज मैं आते हुए यहाँ पर, जब मैं शो पर आ रही थी तो मैं आते हुए सोच रही थी कि हम लोग हम जब बाहर निकले होते हैं, ट्रैफिक में होते हैं, तो सबको घर जाने की जल्दी होती है, और बात ये होती है कि आपको भी जल्दी है और सामने वाले को भी जल्दी है। जब आप रास्ता देना सीखेंगे लोगों को, तो आपके रास्ते आसान होंगे, रास्ते खुलेंगे। तो रास्ता देना सीखें और इंतज़ार करें। ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आपको एक जगह इतने मिनट में पहुंचना है, तो अगर आप या तो आप घर से पहले निकलें अपने टाइम शेड्यूल को मैनेज करते हुए, नहीं तो आप रोड पर कम से कम ट्रैफिक में अपनी जल्दी को जाहिर ना करें। उससे आपका भी नुकसान हो सकता है और आपके साथ साथ सामने वाले का भी नुकसान हो सकता है। तो इसलिए रास्ता देना सीखें। जब आप रास्ता देंगे तो अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते खोलेगा। ज़रूरी नहीं है कि मेरा मकसद सिर्फ एक ही वे में है कि रास्ता अगर हमने किसी को दे दिया तो कोई गाड़ी वाला हमें भी रास्ता देगा। नहीं, इस तरह क्या होगा, इस तरह से अल्लाह ताला हमें देख रहे होते हैं तो हमारी ज़िंदगी में आसानी आएंगी। तो अपनी ज़िंदगियों में आसानियों के लिए जो है ना, दूसरों को आसानी दें। तो ये मेरा एक छोटा सा मैसेज है आज के प्रोग्राम में, और ज़रूर मेरे इस मैसेज को जो है ना आप लोग फॉलो कीजिएगा। और इसके अलावा वीनस HGTV का यूट्यूब चैनल भी है, और हमारा प्रोग्राम जो है स्पॉन्सर्ड किया है एडम सिक्योरिटीज़ ने, और साथ साथ जो है हमारी बिरयानी तकरीबन अब हो गई है कंप्लीट, और हमारी बातें भी हो गई हैं, और हम करेंगे अब अपनी बिरयानी को डिश आउट। और अब मैं निकाल रही हूँ अपनी बिरयानी, 110% इट्स डन, और बहुत मज़ेदार, लिटरली इतनी मज़ेदार खुशबू आ रही है, और अब मैं बिरयानी निकाल रही हूँ। अच्छा, बिरयानी आपने जब भी निकालनी है, सबसे पहले आपने नीचे से निकालनी है, उसके बाद मैं आपने उसके बाद जो वाइट वाले राइस हैं इसको आपने ऊपर डालना है, कलर्ड वाले, वाइट वाले जो राइस हैं, देखें कितना खूबसूरत इनका कलर आया है। और मैंने जब चमचा इसमें चलाया था, जब मुझे चमचा चलाने की नीड थी, बिरयानी हमारी हो गई है डिश आउट, मज़ेदार सी कराची बिरयानी। इसी कलर की बिरयानी आपको मिलती है जब भी आप मंगाते हैं, और अब आप ये बिरयानी घर में भी बना सकते हैं, और इसमें आपको कोई, इसमें आपकी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ये ख़राब नहीं है कि आपने इसमें जो है ऑयल हमारा ख़राब है या इसमें हमारी चिकन ख़राब है। हर चीज़ आपके सामने है, आपकी लाई हुई है, तो परफेक्ट होनी चाहिए। थोड़ा सा इसको ब्यूटीफुल कर देते हैं हम, इसके अंदर हम फ्लावर्स को लगा देते हैं, और हमारी आज की डिश अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गई है। इसके साथ ही मुझे और मेरी टीम को, वीनस HGTV की टीम को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह हम कल मिलेंगे एक नए दिन और एक नई रेसिपीज़ के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।